हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल इज सृष्टि हियर एंड यू वॉचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉज़ारेक्स स्नेल म्यूसिन को कैसे अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर से पहले, मॉइस्चराइजर के बाद, सीरम से पहले, सीरम के बाद। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ दी राइट वे टू अप्लाई कॉज़ारेक्स स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस और हाउ टू अप्लाई कॉज़ारेक्स स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है गाइज। आप में से बहुत लोग जिनका सेंसिटिव स्किन है, जिनका ऑयली स्किन है और उनको ड्राई होता है, उनको बम्पीनेस का प्रॉब्लम है, वो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं और कर रहे हैं। और आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि उनको काफ़ी इफेक्टिव लगा है और काफ़ी फायदा भी हुआ है। हालांकि ये अफोर्डेबल है नहीं, आपको 1100 रुपए का मैक्रोन पे मिल जाएगा। आप लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं ना कि कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो गाइस मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जरूर चेक करिएगा। उस लिंक से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, ये आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और आपके फेस पे जो भी जो भी टेक्सचर्ड है या जो भी बम्पीनेस है उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस भी करता है। सबसे पहले आपको पता करना है कि स्किन केयर के स्टेप्स क्या होते हैं और राइट स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग का। सबसे पहले आपको फेस को वॉश करना होता है, देन आपको हाइड्रेशन का स्टेप आता है। हाइड्रेशन मतलब होता है आप कोई भी टोनर या एसेंस यूज़ करते हैं अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद आता है करेक्शन। करेक्शन होता है सीरम्स यूज़ किया जाता है टू करेक्ट योर स्किन। अगर आपको पिगमेंटेशन है और अनइवन स्किन टोन है तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट्स है तो आप कोई ऑयली स्किन है तो आप कोई ऑयल कंट्रोल लाइक सैलिसिलिक एसिड सीरम या फिर कोई भी अच्छा ऑयली ग्रीन टी सेंटेला वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जो स्किन का करेक्शन करना है उसके लिए आपको सीरम यूज़ करते हैं। तो क्लिंजर हो गया, हाइड्रेशन हो गया एंड देन करेक्टर हो गया, देन मॉइस्चराइजर हो गया एंड लास्ट स्टेप होता है प्रोटेक्शन का। ये डे टाइम का होता है, नाइट टाइम में भी सेम होता है। क्लिंजर क्लिंजिंग में डबल क्लिंज किया जाता है, देन आपका हो गया टोनिंग मतलब हाइड्रेशन, देन हो गया नेक्स्ट आपका करेक्टर जो भी सीरम वगैरह यूज़ करते हैं, फिर मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट टाइम में भी, डे टाइम में भी। तो नाइट टाइम में आप यूज़ करेंगे फिफ्थ स्टेप, उसमें आप कोई भी नाइट स्लीपिंग मास्क या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सनस्क्रीन यूज नहीं करना है। सो गाइज ये जो आता है ये सेकेंड स्टेप पे आता है इसको यूज करना। बेसिकली ये हाइड्रेटिंग का काम करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं यहाँ पे पूरा इनका फुल इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। इसमें सोडियम हाइलोरोनेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें 96% स्नेल म्यूसिन फिल्ट्रेट यूज किया गया है, विच मीन्स जो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है, बहुत ही पावरफुल ह्यूमक्टेंट होता है, वो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्यूई प्लम्ड सपल रखता है। नेक्स्ट इसमें है एलेंटॉइन है, बीटेन है, सोडियम हाइलोरोनेट है, ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल है। तो ये जो भी है ना सारे ह्यूमक्टेंट हैं और दे ऑल आर पावरफुल ह्यूमक्टेंट जो वाटर को बिल्कुल बाइंड करके रखता है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ करेंगे उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगा, खिंचा खिंचा फील होगा। आप में से मुझे बहुत लोगों ने ये शिकायत भी की है कि ये लगाने के बाद उनका स्किन ड्राई हो जाता है, बिकॉज ये एक ह्यूमक्टेंट है पावरफुल। इसमें सारा जो भी इंग्रेडिएंट है वो ह्यूमक्टेंट है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको थिक ऑक्लूसिव बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। आप सीरम स्किप कर सकते हैं, आप इसके बाद आप डायरेक्ट आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए या फिर कोई इमोलियन बेस्ड सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में आप कोई थिक ऑक्लूसिव बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज़र, इसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, और अगर इसके बाद आप सिरम यूज़ करते हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। सो गाइज़, अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं आपको राइट करेक्ट वे बताऊँगी अप्लाई करके कि कैसे मैं अप्लाई करती हूँ। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है, नाउ आई एम टेकिंग 2 से 3 पंप लेती हूँ मैं इसका, उतना बहुत होता है मेरे फेस के लिए। और जेंटली इसको आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, और जब हल्का सा डैम्प रहे तभी मैं इसके ऊपर सिरम अप्लाई कर लेती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि डैम्प फेस पे ही अपना स्किन केयर अप्लाई करूँ, उसके बाद सनस्क्रीन को मैं ड्राई फेस पे यूज़ करती हूँ। सो अभी मॉइस्चराइज़र तक मैं डैम्प फेस यूज़ करती हूँ। सो एज़ यू कैन सी गाइस, अभी हल्का सा डैम्प है, इसके बाद मैं इसके ऊपर अभी नियासिनामाइड सीरम डॉक्टर शेड्स का यूज़ कर रही हूँ। इसका भी मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, इसके ऊपर मैं ये नियासिनामाइड सीरम अप्लाई करूँगी, इसके भी मैं कुछ ड्रॉप्स लेती हूँ, एंड इसको भी आपको अपनी स्किन पे जेंटली अप्लाई करना है। बी जेंटल, आपको बिल्कुल हार्श नहीं होने अपने स्किन पे अप्लाई करते वक्त, आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हल्का सा जब आपका स्किन डैम्प रहेगा, स्लाइटली डैम्प, तभी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इसके बाद मैं ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, और इसका मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझे बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया गाइस, एंड देन अगर सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना है तो जब आपका मॉइस्चराइज़र कम्प्लीटली ड्राई हो जाए देन आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ड्राई नहीं भी हुआ है तो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सनस्क्रीन का कितना क्वांटिटी यूज़ करते हैं, उसका क्या रूल होता है, 3 फिंगर होता है या 2 फिंगर रूल होता है। सो वो भी मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो बना के। सो गाइज, ये है राइट वे टू अप्लाई कॉजारेक्स स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस 96, और ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है। अगर आपका टेक्स्चर्ड स्किन है, बम्पी स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट। मार्केट में आप लोग मुझसे पूछते हैं बहुत अच्छा सा कोई टोनर बताओ, सो गाइज मैं बहुत लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि टोनर की जगह आप अगर एसेंस यूज़ करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टोनर तो बहुत ही पानी जैसा होता है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई बहुत अच्छा टोनर है जिसमें बहुत सारे ह्यूमक्टेंट हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हों, इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हों। सो स्टिल आई एम सर्चिंग अच्छा सा अफोर्डेबल टोनर, बट मीनवाइल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत लंबा चलता है, क्योंकि इसका बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी आपको यूज़ करना होता है। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम अप्लाई करते हैं तो आई गेस 2 से 3 महीने बहुत आराम से जाता है। सो इट इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रोडक्ट जो कॉजारेक्स ब्रांड का है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।